आदर आदाब अभिनंदन आभार। नमस्ते दोस्तों, मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माई कोल्हापुरी चप्पल्स में। दोस्तों मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने एक महीने में मेरे चैनल पर 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और 6000 से ज़्यादा व्यूवर्स बने। दोस्तों ऐसे ही बने रहना मेरे चैनल पर, मैं कोल्हापुरी चप्पल से रिलेटेड और भी वीडियोज लाता रहूँगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि हमारे लेदर टैनिंग कारखाने में बने देसी चमड़े से लेडीज लॉन्ग गियर वाली कोल्हापुरी चप्पल्स कैसे बनाई जाती है, चलिए जानते हैं। चमड़े को इस्तेमाल करने से पहले तो हम इसका वज़न करते हैं और इसकी सेलिंग भी वज़न करके ही किया जाता है। वज़न करने के बाद चमड़े के ऊपर पानी मारकर इसको गीला कर देते हैं। अच्छी तरह इसको पानी में भिगोया जाता है। चमड़े के ऊपर के हिस्से पर इस तरह चप्पल के पात्रिंग से मार्किंग किया जाता है। इस कार्य को फाड़ित करना कहते हैं। यह मार्किंग साइज वाइज किया जाता है, यानी कि 7, 8, 9, 10 नंबर्स की चप्पल्स बनानी है तो 8 और 9 नंबर की पात्रिंग इस्तेमाल किया जाता है। सभी मार्किंग करने के बाद एक एक करके इनको काट के अलग किया जाता है। अलग करने के बाद इसमें के जो ऊपर का सोल होता है वो ज़्यादा जाड़ा हो तो उसे एक लेवल में ऐसे छिलनी करते हैं, नीचे का सोल ज़्यादा जाड़ा हो तो अच्छा होता है और ऊपर का सोल ज़्यादा जाड़ा नहीं रख सकते। हम मार्किंग करते वक्त ही जाड़े चमड़े पर नीचे का सोल और पतले चमड़े पर ऊपर का सोल बना देते हैं, और अगर ज़्यादा पतला लगे तो उसमें इस चप्पल के पट्टे बनाए जाते हैं। हम ऊपर के सोल को वानवड़ा और नीचे के सोल को तव कहते हैं। छिलने के बाद फिर इनको पानी में भिगोया जाता है और अच्छी तरह ब्रश से साफ करते हैं ताकि जो भी इसके ऊपर मैल हो वो निकल जाए। फिर इसको प्रेस मशीन में डालकर इस तरह प्रेस करते हैं। यह मशीन चमड़े से पूरा पानी बाहर निकाल देता है। आप देख सकते हैं नीचे पानी गिर रहा है। प्रेस होने के बाद इस तरह इसको तेल लगाया जाता है। तेल लगाने के बाद इसको धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। फिर थोड़ी देर तक धूप में सूखने के बाद इसको निकालते हैं और साइज वाइज इसकी कटिंग करते हैं, यानी कि पहले 10 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 7 नंबर, इस तरह इनकी कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद इसको फिर से धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। फिर सूखने के बाद इसके ऊपर के सोल पर कॉम्पास से इस तरह बॉर्डर पर 2 लाइन मारते हैं। फिर दोनों लाइनों के बीच में यह डिज़ाइन मारते हैं। इस कार्य को फुल्ली मारना कहते हैं। फुल्ली मारने के बाद नंबर्स का पंचिंग किया जाता है। फिर नीचे के सोल पर जितना रबर लगाना है उतना हिस्सा मार्किंग करते हैं। अभी यह घोटा मार रहे हैं। चप्पल को चमक लाने के लिए ऐसे घोटा मारते हैं। ऐसे दोनों सोल पर घोटा मारा जाता है। आप देख सकते हैं घोटा मारने के बाद यह कैसे दिखता है। ऐसे चप्पल को शाइनिंग आती है। यह ऊपर के सोल पर इस तरह पात्रिंग से मार्किंग करते हैं। हमने जितना मार्किंग किया है उतना हिस्सा ऐसे पंचिंग से कटिंग करते हैं। अभी नीचे के सोल पर जितना मार्किंग किया था वो हिस्सा और उसके अंदर का हिस्सा सभी ग्राइंडर करते हैं और रबर को भी ग्राइंडर किया जाता है। नीचे के सोल पर हमने जितना ग्राइंडर किया है उस पर सुलेशन लगाया जाता है और रबर को भी सुलेशन लगाते हैं। सुलेशन थोड़ी देर तक सूखने के बाद दोनों को चिपकाते हैं और अस्थी से प्रेस करके इसकी कटिंग करते हैं। रबर लगाने के बाद लॉन्ग हील और सोल को सुलेशन लगाया जाता है। सुलेशन सूखने के बाद इस तरह चिपकाते हैं और अस्थी से चारों तरफ प्रेस करते हैं। अब ये नीचे का सोल और ऊपर के सोल दोनों रेडी हो चुके हैं। अब पट्टे का काम करते हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर मार्किंग करते हैं और ब्रश से घिसकर धोया जाता है। धोने के बाद इसको प्रेस मशीन में डालकर प्रेस करते हैं और सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। फिर इसको तेल लगाकर धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। फिर थोड़ी देर तक सूखने के बाद इसको निकालते हैं और इस तरह
फाइबर से इसकी निरपनी करते हैं। ऐसा करने से चमड़े के ऊपर झुर्रिया नहीं रहती और चमड़ा एकदम टाइट बनता है। निरपने के बाद इसको फिर से धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। फिर अच्छी तरह सूखने के बाद इसको निकालते हैं। अभी यहाँ कटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहले इसमें पट्टी की कटिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ चमड़े पर डाई रखने के बाद इसको मशीन के अंदर डाल देते हैं और नीचे पैरों में राइट साइड में जो ब्रेक रहता है उसको दबा देते हैं और मशीन यहाँ डाई को ज़ोर से प्रेस करता है और पट्टा कट हो जाता है। पट्टे कटिंग करने के बाद उसके टुकड़ों में यहाँ राउंड शेप में पादुका डिज़ाइन कट करते हैं। अभी यहाँ हाफ दुम वाली डिज़ाइन कटिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद छोटा अंगूठा कट करेंगे। दोस्तों सभी कटिंग के बाद इसका जो टुकड़ा गिरता है उसे वीट भट्टी में जलाने के लिए लेके जाते हैं। यह चमड़ा ज़्यादा देर तक जलता है और लेदर बोर्ड बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सभी कटिंग करने के बाद अभी इन पर घोटा चलाते हैं ताकि इनको चमक आए, शाइनिंग आ जाए। फिर इन पर पंचिंग किया जाता है। इस तरह एकदम नज़दीक नज़दीक इन पर पंचिंग करते हैं। इस डिज़ाइन को फुल सौकटा कहते हैं। इस पट्टे पर जो अभी पंचिंग कर रहे हैं इस डिज़ाइन को कोहली डिज़ाइन कहते हैं। इसे भी एकदम नज़दीक नज़दीक पंचिंग करते हैं। अभी यहाँ राउंड शेप वाली पादुका पर भी वही कोहली वाली डिज़ाइन पंचिंग करते हैं। अभी यहाँ पाइप कटिंग कर रहे हैं। इसको अंगूठे में डालने के लिए यूज़ किया जाएगा। पतले चमड़े से मुंगानी बनाते हैं, ऐसे कट करते हैं और इसको बीच में फोल्ड करके गांठ मार देते हैं। अब मुंगानी बनकर रेडी है। अभी इस मुंगानी को राउंड शेप वाली भिंगरी के अंदर इस तरह डालते हैं, इससे यह भिंगरी एकदम मजबूत बन जाती है। फिर इसके एक साइड को सुलेशन लगाते हैं और अंगूठे को भी दोनों साइड से सुलेशन लगाते हैं। फिर पट्टे को भी दोनों साइड से सुलेशन लगाया जाता है। फिर जो ऊपर का सोल रहता है उसको भी हमें जहाँ चिपकाना है वहाँ पर सुलेशन लगाते हैं। अभी इस मुंगानी और अंगूठे को पाइप में डालकर इस तरह कटिंग किए हुए होल में से बाहर निकालते हैं। फिर उल्टा करके पहले अंगूठे को चिपकाते हैं और फिर इस मुंगानी को खींचकर इसको ऐसे चिपकाते हैं। फिर इसको हस्ती से प्रेस करते हैं। अभी अंगूठे का इधर का हिस्सा भी अंदर डालकर इसको ऐसे प्रेस करते हैं। अब बारी है पट्टे की। हमें जितना फिटिंग करना है उतना हिस्सा हम इस पट्टे पर मार्किंग कर लिए हैं। पहले इधर का पट्टा अंदर डालकर इसको प्रेस करते हैं। फिर इसको घुमाकर इधर का हिस्सा भी जितना मार्किंग किया है उतना हिस्सा अंदर डालकर चिपकाते हैं। हमने जितना मार्किंग किया है उससे भी यह फिटिंग थोड़ी लूज है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर की डिमांड होती है कि फिटिंग लूज चाहिए। अभी ऐसे ही दूसरे डिज़ाइन की भी फिटिंग करते हैं। पहले मुंगानी को पाइप में डालकर अंगूठे के होल में डालकर इसको बाहर निकाल के चिपकाते हैं। फिर आगे का हिस्सा सामने के होल में अंदर डालकर इसको चिपकाते हैं और पट्टे को जितना हिस्सा मार्किंग किया है उतना हिस्सा अंदर डालकर दोनों तरफ से चिपकाते हैं और इसको प्रेस करते हैं। सभी फिटिंग करने के बाद अब यहाँ ऊपर के सोल पर सुलेशन लगाया जाता है। इस तरह चारों तरफ सुलेशन लगाते हैं। ऐसे ही नीचे के सोल पर भी सुलेशन लगाते हैं। दोस्तों सुलेशन लगाने के बाद थोड़ी देर तक सूखना बहुत ज़रूरी है, तभी इनकी पकड़ मजबूत होती है। हम जो लॉन्ग हील इस्तेमाल कर रहे हैं यह एक जंगली पेड़ से बनता है जो कि वज़न में काफ़ी हल्का होता है। अच्छे से सूखने के बाद अब इन दोनों सोल को इस तरह एकदम सही से चिपकाते हैं। इस कार्य को पेस्टिंग करना कहते हैं और इस पर हस्ती से प्रेस करते हैं। सभी तरफ हस्ती से मारते हैं ताकि इसकी पकड़ मजबूत हो, एक भी कोना नहीं छोड़ते। फिर से चेक करते हैं कि कहीं पर लूज तो नहीं है, क्योंकि जितनी अच्छी इनकी पकड़ होगी उतनी चप्पल की एज बढ़ेगी।
इस कार्य को टकटनी करना कहते हैं। पेस्टिंग करने के बाद इस चप्पल का बाहर का हिस्सा यानी अतिरिक्त आया हुआ हिस्सा काटकर एक लेवल करते हैं। इसके बाहर का अतिरिक्त हिस्सा काटने के बाद इस पर ग्राइंडर करते हैं। इस तरह चप्पल के बॉर्डर को ग्राइंडर किया जाता है। ग्राइंडर का यह फायदा होता है कि इसके बॉर्डर एक लेवल बनते हैं और कहीं भी बॉर्डर कम ज़्यादा हो तो एक जैसा बनता है, इसलिए ये ग्राइंडर ज़रूरी होता है। ग्राइंडर करने के बाद अभी इस पर शेष पॉलिश लगाते हैं। पूरे बॉर्डर पर इस तरह उंगली से पॉलिश लगाया जाता है। अभी इन चप्पल्स का यहाँ आखिरी पड़ाव है। पॉलिश लगाने के बाद फिर इनके जाड़ी और कलर के अनुसार इनको मैच करते हैं और इनकी जोड़ी बनाई जाती है। दो कारागिरों को इन चप्पल्स को बनाने में ठीक 8 दिन लगे। दोस्तों, लेडीज़ कोल्हापुरी चप्पल्स बनकर बिल्कुल रेडी है। 3 डिज़ाइंस में चप्पल्स बनाई गई है, आपको डिज़ाइंस दिखा देता हूँ। यह हाफ दूम वाली चप्पल्स है, यह पादुका और यह अंगठा पट्टा। इस तरह हमने 3 डिज़ाइंस में चप्पल्स बनाई है। दोस्तों, इस चप्पल्स को बनाने के लिए हमने 4 नग चमड़े का इस्तेमाल किया था, जिसमें 100 पेयर चप्पल्स बनाई है। दोस्तों, इस कला का श्रेय जाता है अजीत जी को, जिन्होंने खुद अपने हाथ से इस चप्पल्स को बनाया है। दोस्तों, आप और भी कुछ इन चप्पल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जेंट्स कोल्हापुरी चप्पल्स कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, वीडियो अगर मेरा पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।